The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, aadab, sastriya kal, dosto मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है. आज हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब बीमारी का जो थोड़ी समझने में मुश्किल है लेकिन हम समझा देंगे जैसा कि हम समझाते आए हैं आपको हर एक मेडिकल टॉपिक को प्यार से आसान भाषा में इस चैनल पे हम समझाते हैं तो आज का टॉपिक है हमारा कार्सिनोइड सिंड्रोम जो लोग इसे नहीं जानते ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं लक्षण हैं जो आपके बीमारियों के वजह से होते हैं पेट के अंदर मल्टीपल ट्यूमर के वजह से मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर जो आपकी छोटी आंत, आपके बड़ी आंत, आपके अपेंडिक्स आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स लंग के ट्यूब्स इन सभी में होने लग जाते हैं सो ये कार्सिनोइड सिंड्रोम होते हैं कार्सिनोइड ट्यूमर के साथ और ये ट्यूमर जो है ये रेयर हैं सब में नहीं होते किसी किसी में होते हैं और बहुत स्लोली ग्रो होते हैं और ज़्यादातर ये होते पेट और लंग के अंदर लंग की सांस की नलियाँ या पेट के रास्ते में पाए जाते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम जो है कार्सिनोइड ट्यूमर वाले कुछ लोगों को होता है सबको नहीं होता कार्सिनोड ट्यूमर होगा तो उस ट्यूमर कुछ लोगों को होगा और कार्सिनोड ट्यूमर से सिंड्रोम कुछ लोगों को होगा बहुत कम लोगों को रेयर है फिर भी जानकारी होने में कोई नुकसान नहीं है तो सुनते रहिए सो so, और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले और लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए सो so, ट्यूमर जो है आपके रास्ते में है कुछ लोगों में ही होता है कुछ लोगों में सिंड्रोम होता है और सिंड्रोम तब होता है जब ये ट्यूमर फैलने लगता है आपके लंग में या लिवर में लंग या लिवर में जब फैलने लगता है यह ट्यूमर तब कार्सिनॉइड सिंड्रोम नामक चीज होती है ये क्या है सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ बीमारियां कुछ ऐसे लक्षण जो एक साथ इकट्ठे होके आते हैं तो ट्यूमर से क्या होता है ये जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है ये सिर्फ बढ़ता नहीं है ये कुछ बनाता भी है ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है सिरोटोनिन सिरोटोनिन आप एक, एक हार्मोन इसके अलावा और भी बनाता है ये क्या करता है आपके खून की नसों को डायलेट कर देता है फैला देता है इसके वजह से कार्सिनॉइड सिंड्रोम होता है तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम में ये सारे लक्षण आएंगे जो खून की नसें डायलेट हो जाने से आते हैं क्या क्या आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चेहरे में अगर खून की नसें फूल जाएं तो आपको ब्लश फ्लशिंग ब्लशिंग वट एवर कॉल इस आपका आपका फेस आपका नेक आपके अपर चेस्ट सारी लाल हो सकती हैं मतलब ऐसा लगेगा मोटी मोटी ब्लड वेसल्स आने लग गई हैं टेल के जैसा उसके बाद सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं वीजिंग हो सकती है वो भी इसलिए हो सकती है कि खून की नसें जो है फैल जाएगी तो जो वीनस ब्लड है उसमें वीन्स में ब्लड ज्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा ज्यादा एक जगह ब्लड होगा तो फ्लो स्लो हो जाता है उसके बाद डायरिया हो सकता है लूज मोशन हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम आने लगेगी हार्ट की प्रॉब्लम में क्या स्लो हार्ट बीट या फिर हाई या लो हाई ब्लड हाई या लो ब्लड प्रेशर और साथ ही हार्ट के वेल्स में लीकेज आने लग सकती है जो कि लीकेज तो वैसे बहुत कॉमन भी है लेकिन इसमें लीकेज बढ़ जाएगी मगर अगर हम देखें कि ये पेशेंट जो होते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम वाले ये एग्जामिनेशन uh, में जितने ट्यूमर्स होते हैं ये सिर्फ सिर्फ तब जब जब मान लीजिए कोई ऑपरेशन होने लगा पेट का या पेट का कोई अल्ट्रासाउंड किया या कोई पेट की जांच करे तब पकड़ में आते हैं अलग से नहीं पकड़ में आते तो पेट का अल्ट्रासाउंड करें या मान लीजिए कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगे हार्ट के अंदर और हमको हार्ट के अंदर मरमर दिख सुनाई दे गया या फिर मान लीजिए हमें न्यासिन डेफिशिएंसी में पेलेग्रा नाम की चीज़ होती है वैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है सो ये सारी चीज़ें में हमको लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि भई ये बीमारी जो है ऐसी हो रही है। और इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं टेस्ट में जैसा हमने कहा सीटी स्कैन एमआरआई, अल्ट्रासाउंड वैसे तो सीटी एमआरआई में ज़्यादा बेहतर दिखेगा अल्ट्रासाउंड में नहीं ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखेगा बट अंदाज़ा आ सकता है ट्यूमरों का उसके बाद जो टेस्ट होता है इसमें ब्लड टेस्ट में सिरम ब्लड में सिरोटोनिन और क्रोमोग्रैनिन नाम के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और यूरिन के अंदर फाइव एच आई डबल ए नमक पदार्थ देखा जा सकता है ज़्यादा मात्रा में ऐसी बीमारी में इसके अलावा आपका हार्ट का इको कार्डियोग्राफी स्कैन करके देखा जा सकता है हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है और ऑक्टीरियोटाइड रेडियो लेवल्ड स्कैन नामक चीज़ होती है वो भी की जा सकती है जिससे कि पता कर सकते हैं ट्यूमर कहाँ कहाँ है अल्टीमेट ट्रीटमेंट इस चीज का होता है ऑपरेशन सर्जरी ट्यूमर निकाल देना इसका सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है परमानेंट क्योर तब होगा जब सारे ट्यूमर सबके सारा का सारा हिस्सा निकल जाएगा अगर ट्यूमर आपका लिवर में फैल चुका है तो फिर हो सकता है लिवर का कुछ हिस्सा निकालना पड़े जिसमें ट्यूमर फैल चुका है उसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जैसे कुछ दवाइयाँ डायरेक्ट लिवर के अंदर डिस्ट्रॉय लिवर के अंदर डाली जा सकती हैं उस जगह पे जहाँ ट्यूमर है ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से ये भी एक ट्राई किया जा सकता है अगर एंटायर ट्यूमर निकाला जाए जा सकता है तो सीधा सीधा एंटायर ट्यूमर निकाल दिया जाता है नहीं तो फिर ऑक्टीरियोटाइड या लैंड्रियोटाइड के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं एडवांस्ड कार्सिनोइड ट्यूमर में जो निकाले नहीं जा सकते जिनकी ऑपरेशन होना पॉसिबल नहीं है या बहुत ही मुश्किल है या कभी पूरा नहीं निकल पाएगा तो ऐसे केसेस में फिर ऐसे इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं और कार्सिनोइड जिनको सिंड्रोम होता है उनको कतई गलती से भी कोई लिवर के ऊपर या ऐसी कोई ख़तरनाक फूड जैसे कि दारू और बहुत ज़्यादा खाना एक साथ बहुत ज़्यादा टायरामिन यानी चीज़ एवैकाडो प्रोसेस्ड फूड ये सब नहीं खाने हैं इनके क्या होगा इनका ये खाने से इनको लक्षण पैदा हो जाएगी दिक्कत पैदा हो जाएगी इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि एसएसआरआई सारा सीरोटोनिन री अपटेक इन्हीबिटर्स और ऐसी दवाइयाँ जो कि सिम्टम्स uh, को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं क्योंकि ये आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ा देती है सेरोटोनिन आपका थोड़ा सा फील गुड हार्मोन है तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है तो और दिक्कत होने लग जाती है सो so, याद रखिए ये बीमारी थोड़ी सी अजीब है थोड़ी ज़्यादा रेयर है और जिसको हो जाती है और प्रोग्नोसिस uh, डिपेंड करता है कहाँ ट्यूमर है कितना बड़ा है और कितने हैं और निकाल सकते हैं या नहीं अगर ट्यूमर लिवर में फैल चुका है तो फिर बहुत कम सर्वाइवल रेट बच जाएगा लिवर तक नहीं फैला है ऑपरेट ऑपरेबल उप्रे, है तो फिर बचने के चांसेस हो जाएंगे ठीक है और इसमें कॉम्प्लीकेशन जैसे हमने बताया पेट का ऑब्स्ट्रक्शन पेट में ब्लीडिंग हार्ट में वैल्व में फेलियर तो हार्ट पेट लंग्स इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो यही सारी बातचीत कार्सिनॉइड सिंड्रोम या कार्सिनॉइड ट्यूमर के बारे में आई होप आपको समझ आई प्लीज़ शेयर दिस वीडियो किसी ना किसी के बोले बट के काम आ जाएगा थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी